आप बता देना वो बात, वो आपका आइडिया। आप मेरे को से बात करेंगे अभी अभी है। अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप उधर आ जाओ, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ खुशबू। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर स्वाति से मारपीट का आरोप है। पीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जवाब में अब विभव ने इस मामले में शुक्रवार शाम को क्रॉस कंप्लेंट दर्ज कराई है। शिकायत में विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल पर जबरन घर में घुसना यानी ट्रेसपासिंग, सीएम सिक्योरिटी के साथ बदसुलूकी करना, जबरन घुसकर सीएम सिक्योरिटी को खतरा पैदा करना जैसे आरोप लगाए हैं। इससे पहले स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के खिलाफ सिविल लाइन्स पुलिस थाने में आईपीसी की धारा 354, किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना, धारा 506 आपराधिक धमकी, धारा 509 किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना, और धारा 323 हमला करने के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। विभव कुमार ने यह शिकायत ईमेल के जरिए डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एसएचओ सिविल लाइंस को भेजी है। शिकायत में स्वाति मालीवाल पर सीएम आवास में बिना इजाजत जबरन घुसना, जबरन घुसने के लिए सीएम सिक्योरिटी के साथ धक्का मुक्की करना जैसे आरोप लगाए हैं। हालांकि विभव की शिकायत पर अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। 17 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का कथित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मालीवाल 52 सेकंड के वीडियो में मुख्यमंत्री के आवास में सुरक्षाकर्मियों से बहस करती भी नजर आ रही हैं। इस कथित वीडियो में मालीवाल को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया है, वो पुलिस कर्मियों के आने तक का इंतजार करेंगी। वह वीडियो में ये भी कहती हैं कि आज मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगी, मुझे डीसीपी से बात करने दो। वह सुरक्षा कर्मियों को चेतावनी भी देती हैं कि अगर वो उन्हें छुएंगे तो वो उन्हें भी नौकरी से निकलवा देंगी। हाँ, बता देना वो बात, वो आपका आइडिया। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी अभी है। अभी करा रहे हैं, आप आइए, आप उधर आ जाओ, आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा, यही होगा, जो करना है करो, और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो सभी तो कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं, हम भले रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगी। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अंदर ही आएगी, जो होगा। प्लीज कम मत, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। गंजा साला, मैडम नहीं, आप ऐसे ना बोले। हालांकि पंजाब केसरी .com इस वायरल वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है। आज की खबर में बस इतना ही, ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहें पंजाब केसरी .com के साथ।